Hey guys, welcome back to my channel. So in the today's video, we are going to continue studying the economics for SSC. हम एक playlist बना रहे हैं जिसमें हम SSC की complete economics के syllabus को cover कर रहे हैं. काफ़ी सारे videos already channel पे हैं, please do watch them. In the today's video, we are going to talk about public finance in India. अगर मैं public finance की बात कर रही हूँ तो मैं basically government के budget की बात कर रही हूँ. So public finance basically क्या होता है? It is the study of the financial aspect of government. गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलते हैं, कैसे वो उन पैसों को स्पेंड करती है, इस सब की जो स्टडी होती है उसे हम बोलेंगे पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया. बेसिकली ये वो ब्रांच है जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रेवेन्यू को स्टडी करती है. हमारे एंशियंट ट्रीटीज़ में भी, अर्थशास्त्र में, विच इज़ रिटन बाय कौटिल्य, उसमें भी किस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसका सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ क्या होते हैं, उनके अकाउंट्स क्या होते हैं, उनकी ट्रेजरी के बारे में भी काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है. सो ऑफकोर्स दैट इज़ द इंस्पिरेशन दैट टुडे ऑल्सो we follow that government needs to have their accounting as well. Budget basically कुछ नहीं है, it is just the financial statement. जैसे हर इंसान अपनी एक year end में एक financial statement बनाता है that this is what I've earned and this is what I've spent. Similarly government भी एक financial statement बनाती है जिसमें अपने estimated expenditure for the future and estimated incomes जो आने वाले financial years में आने वाली है उसका एक estimate बनाती है, उसे हम budget बोलते हैं. क्योंकि इंडिया एक फेडरल इकोनॉमी है तो बजट दो लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट बनता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. ये जो बजट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करती है. सो अंडर द आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ टू प्रेजेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड द बजट इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट एंड सिमिलरली ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू डू द सेम इन फ्रंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे इंडिया में हम विधानसभा भी कहते हैं. दिस इज मेंशन अंडर द आर्टिकल 202. ऑलराइट, तो इस तरीके से कुछ गवर्नमेंट के बजट के कॉम्पोनेंट्स हैं. ऑफकोर्स देर आर रिसीट्स एंड देन देर आर एक्सपेंडिचर. बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर्स, ये जो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स हैं इन्हें रेवेन्यू और कैपिटल इन दोनों हेड्स में डिफाइन किया जा सकता है. यानी कि रिसीट्स रेवेन्यू नेचर के भी होते हैं और कैपिटल नेचर के भी होते हैं. सिमिलरली एक्सपेंडिचर्स भी रेवेन्यू नेचर के भी होते हैं और कैपिटल नेचर के भी होते हैं. इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ते हैं. और यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है दैट रेवेन्यू रिसीट्स टैक्स और नॉन टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं. एवरीथिंग वी विल स्टडी इन डिटेल वन बाय वन. तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर. जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं या बजट की बात करें तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. रेवेन्यू बजट के अंदर आ जाएगा रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड देन कैपिटल बजट के अंदर आ जाता है कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या होता है? रेवेन्यू इज समथिंग विच इज़ ऑन गोइंग, मतलब ये चलता रहता है लाइक इन अ ईयर, एवरी ईयर, ऐसी कोई चीज़ें होती है. इनसे एसेट और लाइबिलिटीज बिल्ड नहीं होती हैं. रेवेन्यू वो चीज़ें होती हैं जिनसे एसेट और लाइबिलिटी बिल्ड नहीं होती हैं, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स वो चीज़ें होती हैं जिससे एसेट्स और लाइबिलिटीज बिल्ड होती हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट जाती हूँ एक कार खरीदने, तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है. क्यों? क्योंकि इस एक्सपेंडिचर की वजह से मेरी एक एसेट बिल्ड हो रही है, तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है. लेकिन सपोज मैं मार्केट गई कुछ खाने, फॉर एग्जांपल आई जस्ट वेंट टू द मार्केट टू हैव सम लंच, ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. क्योंकि इस एक्सपेंडिचर की वजह से कोई भी एसेट बिल्ड नहीं हुई है, राइट? तो अगर हमारे एक्सपेंडिचर और रिसीट से हमारी एसेट या लाइबिलिटीज बिल्ड होती हैं तो वो कैपिटल नेचर के होते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं. लेट्स नो अबाउट दिस इन मोर डिटेल. तो सबसे पहले बात करते हैं अंडर द रेवेन्यू रिसीट्स. जैसे मैंने आपको बताया ये वो रिसीट्स हैं जिससे गवर्नमेंट के ऊपर कोई क्लेम नहीं आएगा. अंडरस्टैंड इन डिटेल. जैसे कि गवर्नमेंट ने, फॉर एग्जाम्पल यू एंड मी, पर्सन ए एंड पर्सन बी, पर्सन ए ने पर्सन बी से लोन लिया, तो जब मैंने लोन लिया पर्सन बी से तो मेरे पास पैसे आ गए, तो ये क्या हुई? रिसीट्स. लेकिन ये लोन है तो यानी कि मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी भी बन गई है कि मुझे ये लोन एट अ फ्यूचर डेट पे करना है. तो अगर कुछ पैसे आने से मेरे ऊपर लाइबिलिटी बनती है तो वो बन जाते हैं कैपिटल रिसीट्स. लेकिन अगर कुछ पैसे आने से मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड ने मेरी हेल्प की और मुझे 20 रुपीज़ दिए, मुझे पैसे उसे वापस नहीं करने हैं, उसने सिर्फ मेरी हेल्प करी है, तो यहाँ पे मेरे पास पैसे आए और मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी बिल्डअप नहीं हुई, तो ये हुआ रेवेन्यू रिसीट्स, राइट? तो रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होते हैं जिनसे कोई क्लेम गवर्नमेंट के ऊपर नहीं बनेगा, यानी गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी. दे आर टर्म्ड एज नॉन रिडीमेबल, यानी कि इनको वापस नहीं लौटाना, इन्हें हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स. ये दो तरीके के होते हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स. जैसे मैंने आपको बताया कि जो टैक्स रेवेन्यू, टैक्स इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. मेजर जितना भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो टैक्स के थ्रू आता है. कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी होते हैं.
टैक्स को, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है टैक्स के बारे में डिटेल में, दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो डायरेक्टली पर्सन की इनकम के ऊपर या उसकी वेल्थ के ऊपर लगाए जाते हैं, इसे आप शिफ्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट शिफ्ट दिस टैक्स, द बर्डन ऑफ दिस टैक्स ऑन एनीबडी एल्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो आपसे इनडायरेक्टली लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जीएसटी, आपने कुछ खरीदा तो आपको टैक्स दे रहे हैं, ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इसका बर्डन बहुत ईजिली शिफ्ट किया जा सकता है, ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये गवर्नमेंट के कुछ रेवेन्यू रिसीट्स हैं, क्यों, क्योंकि टैक्स लेने से, अगर मैं गवर्नमेंट को टैक्स देती हूँ तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, उन्हें ये टैक्स मुझे वापस नहीं करना, तो ये हुआ गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट्स, राइट। इसके अलावा जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं, मतलब गवर्नमेंट को बिना टैक्स के पैसे कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट भी आपकी और मेरी तरह इन्वेस्टमेंट्स करती है, तो गवर्नमेंट को वहाँ से क्या आता है, डिविडेंड्स आते हैं, इंटरेस्ट आता है, रिटर्न्स आते हैं, प्रॉफिट्स आते हैं, ये सब हैं गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ, और इनफैक्ट कभी कभी बाहर की कंट्रीज भी गवर्नमेंट्स की हेल्प करती हैं, अदर देन लोन ग्रांट्स देती हैं, हेल्प करती हैं, तो वो भी एक तरीके के रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं। मूविंग अहेड, देन वी हैव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर है जिससे मेरी कोई भी फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट नहीं बन रही है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट की क्या हुआ, गवर्नमेंट की एसेट बन गई, तो वो हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन गवर्नमेंट किसी स्कीम के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट किसी, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई स्कीम चलाई है और उसमें गवर्नमेंट पैसे डाल रही है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की कोई एसेट बिल्ड नहीं हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली ये वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग में काम आता है, गवर्नमेंट सैलरीज देती है, पेमेंट्स देती है, इन सब के ऊपर कोई गवर्नमेंट की एसेट नहीं बनती है, ये होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने लोन लिए हैं तो उस लोन के बदले में गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट्स देती है, कभी कभी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ग्रांट्स देती है, या बाहर की कंट्रीज दूसरी कंट्रीज में भी ग्रांट्स दे सकती है, तो ये सब हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये जो एक्सपेंडिचर है प्लान्ड भी हो सकता है, नॉन प्लान्ड भी हो सकता है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं बजट के, ठीक है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या हुआ, जब गवर्नमेंट अपने प्लान्स बनाती है, फाइव ईयर प्लान्स बनाती है, स्टेट्स को कितने पैसे देने हैं, सेंटर में कितने पैसे जाएंगे, किस स्कीम में कितने पैसे जाएंगे, ये सब होता है प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अलावा नॉन प्लान्ड भी एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन सिचुएशंस ऑफ वॉर्स डिफेंस सेक्टर में पैसे ज़्यादा जाते हैं, सैलरीज एंड वेजेस, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये कुछ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं, और इसका भी बहुत अच्छा प्रोविजन गवर्नमेंट के बजट में ऑलरेडी होता है, दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। फिर आते हैं कैपिटल रिसीट्स। अब ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स जिससे गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी बनेगी। अगर गवर्नमेंट किसी बाहर की कंट्री से लोन लेती है तो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी है कि उस लोन को पे करना है, लेकिन उस लोन से जो पैसे आएंगे उसे हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट्स, ठीक है, दे क्रिएट द लाइबिलिटी, ठीक है। कभी कभी गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को सेल करती है तो उसमें भी गवर्नमेंट के पैसे आते हैं, ये भी कैपिटल रिसीट्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट की एसेट्स कम हुई हैं। तो अगर आपकी किसी रिसीट्स की वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या एसेट्स कम हो रही हैं तो ये हो जाती हैं कैपिटल रिसीट्स। ऑन दी ऑपोजिट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, अगर कुछ जगह पैसे खर्च करने से या तो आपकी एसेट्स बढ़ रही हैं या आपकी लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लिया था और गवर्नमेंट ने अब उस लोन को चुका दिया है, तो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेंडिचर किया और उस एक्सपेंडिचर की वजह से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम हो गई है, तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी प्लान्ड और नॉन प्लान्ड हो सकते हैं और इन सब का प्रोविजन हमारे बजट्स में होता है। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं, तीन तरीके के बजट होते हैं, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। जब भी गवर्नमेंट अपना बजट यूनियन के सामने, पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करती है तो पहले ही बताती है कि ये बैलेंस बजट रहेगा, सरप्लस बजट रहेगा या डेफिसिट बजट रहेगा। बैलेंस बजट सिंपल बैलेंस्ड है, रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। सरप्लस बजट मतलब पैसे ज़्यादा हैं हमारे पास, यानी कि रेवेन्यू इज हायर दैन एक्सपेंडिचर, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात इन द सेंस, ऑफकोर्स सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, बट द पॉइंट इज गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ मेंट फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो अगर गवर्नमेंट के पास सरप्लस पैसे हैं तो उन पैसों को यूज़ क्यों नहीं किया गया, उन पैसों को हम एक्सपेंडिचर में यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इट शुड, यू नो, सरप्लस बजट इज़ नॉट वेरी आइडियल, इज़ नॉट आइडियलाइज्ड। इफ़ यू हैव सरप्लस मनी यू नीड टू इन्वेस्ट, एज फार एज दिस इज अ सिंपल रूल फॉर द गवर्नमेंट। एंड देन कम्स डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट होता है वेन रेवेन्यू इज लेस देन द एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ज़्यादा है लेकिन गवर्नमेंट के इतने रेवेन्यूज नहीं है, ये होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट भी, मतलब डेफिसिट्स भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं।
मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे रेवेन्यूज़ कम है, हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, लेकिन ये डेफिसिट भी डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। फोर मेजर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है रेवेन्यू डेफिसिट, नाम से पता चल रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन द रेवेन्यू रिसीट्स। मतलब यहाँ पे हम कैपिटल वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे गवर्नमेंट की एसेट और लाइबिलिटीज बिल्ड होने की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल पूछ रहे हैं कि रेवेन्यू के बेसिस पे आपका स्टेटस क्या है। बजट इज़ अ टोटल, बजट डेफिसिट इज़ अ टोटल, रेवेन्यू प्लस कैपिटल। सो रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसीट्स। फिस्कल डेफिसिट होता है, जो आपका टोटल डेफिसिट है उसमें से आप बोरोइंग माइनस कर दो। हम ये कह रहे हैं ठीक है, माना आपके ऊपर डेफिसिट है, आपके ऊपर बहुत बर्डन है, आप एक काम करो बोरोइंग्स हटाओ, क्योंकि बोरोइंग्स तो लॉन्ग टर्म चलती आ रही है, एक बार उनको हटाओ, उसको हटा के बताइए कि कितना डेफिसिट है। तो ये होता है फिस्कल डेफिसिट। एंड प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस उन बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट। अब हम कह रहे हैं ठीक है, अपने फिस्कल डेफिसिट में से ना आप लोन्स का पूरा बर्डन हटा दो, मतलब लोन्स तो हटा ही रहे हो, उस लोन्स के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पेमेंट्स दे रहे हो उसको भी हटा दो, अब बताइए आपका डेफिसिट कितना है। वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो बेसिकली इट डज नॉट इंक्लूड एनी बर्डन ऑफ लोन, उसके अलावा भी अगर डेफिसिट है तो मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट्स। देन कम्स फिस्कल पॉलिसी, इसके बारे में भी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है बहुत ज़्यादा डिटेल में, बट अगेन शॉर्ट में करते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज सिंपली वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के ऊपर बात करेगी, ऐसी पॉलिसी जो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है, इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, और इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे मीट किया जाएगा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को हिला के। जैसे कि वन ऑफ द फिस्कल पॉलिसीज टैक्सेशन। सपोज गवर्नमेंट को लगता है कि इकॉनमी में डिमांड बहुत ज़्यादा है, पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन गवर्नमेंट टैक्स रेट्स इंक्रीज कर देगी। व्हाट विल हैपन, अगर टैक्स रेट्स बढ़ जाएंगे तो लोगों की इनकम का हायर पार्ट गवर्नमेंट के पास जाएगा, लोगों के पास पैसे कम होंगे, डिमांड विल फॉल एंड प्राइजेस विल ऑटोमेटिकली कम इन टू द कंट्रोल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने रेवेन्यू एलिमेंट को टच किया एक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ये होती है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, और इस मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। सो व्हेन फिस्कल पॉलिसी इज डिफाइंड एज द चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस दैट आर डिजाइन टू अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल एक और करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है, हम एम्प्लॉयमेंट स्कीम देंगे। अब उस स्कीम में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जाता है, तो लेकिन उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, दिस इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। तो इस तरीके के जो फिस्कल पॉलिसी को अचीव करने के लिए जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर फिस्कल टूल्स, या फिर फिस्कल लेवर्स, ये सब होते हैं, इन सबको हम बोलते हैं फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स। तो टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी के टूल्स हैं जो गवर्नमेंट यूज़ करती है टू अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। मूविंग अहेड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट क्यों कर रही है ये सब चीज़ें। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस को स्टेबल करना, इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, कैपिटल फॉर्मेशन, रीजनल बैलेंसेस, ये सब फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लास्ट हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन इज अ क्वासाई जुडिशियल बॉडी। इसका मतलब क्या होता है, क्वासाई जुडिशियल बॉडी, इसका मतलब होता है कि ये कोर्ट, जुडिशियल क्या होता है, कोर्ट, कोर्ट बेसिकली जो कि लॉज बना सकता है या लॉज को इम्प्लीमेंट कर सकता है उसे हम बोलते हैं जुडिशियल बॉडी, और इंडिया में वो कोर्ट्स होते हैं। लेकिन फाइनेंस कमीशन कोर्ट तो नहीं है, बट स्टिल इसके पास पावर है अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि ये भी लॉज बना के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल पॉलिसी, ठीक है? तो इसलिए हम इसे बोल रहे हैं क्वाजाई जुडिशियल बॉडी। सो इट इज़ सेटअप अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 1951 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका मेजर पर्पस होता है सेंटर और स्टेट के बीच में फिस्कल रिलेशनशिप का फ्रेमवर्क बनाना। सिंपल सी बात है, बेसिकली ये कहता है कि सेंटर और स्टेट, जितना भी रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू को सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे डिवाइड किया जाएगा, क्या सेंटर किस किस यू नो सिचुएशंस में सेंटर को स्टेट की हेल्प करनी है, और इन सब चीज़ों को डिफाइन करता है, बेसिकली फाइनेंशियल रिलेशनशिप को डिफाइन करता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इट इज़ रिकमेंडेड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, यानी कि जितना भी टैक्स आएगा ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है? ये फाइनेंस कमीशन ये एम करता है
कि जो डिसबैलेंस है बिटवीन द, ऐसा नहीं है कि सेंटर के पास ही बहुत ज़्यादा पैसे हैं और स्टेट के पास पैसे नहीं है, या ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक स्टेट के पास बहुत सारे पैसे हैं और दूसरे स्टेट के पास नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो इट मेक श्योर दैट देर आर नो फिस्कल इम्बैलेंसेज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड बिटवीन द स्टेट्स विद इन देमसेल्स. तो बेसिकली ये इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करता है, यानी कि हर स्टेट को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, मतलब जितनी हर स्टेट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उस स्टेट को फंडिंग मिलनी चाहिए. फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स सेटअप होती है. जनरली द लास्ट फाइनेंस, इसमें आई थिंक इट्स ओके, दिस इज द 15th फाइनेंस कमीशन सेटअप इन द नवंबर 2017, बट 16th फाइनेंस कमीशन भी है जो कि 31st दिसंबर 2023 में सेटअप हुए थे. श्री अरविंद पानागरिया इज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन. He has also been the former vice chairman of the Niti Aayog. That is the latest information on the Finance Commission. So, ye hota hai about the public finance. This is the basic information about the public finance. So, next is the external sector of India. I think this is the last topic of the complete playlist. Aur ye hum next video mein karenge. And then the complete playlist will be there for the SSC Economics. I guarantee you, agar aap ye puri ki puri playlist achche se dekhte ho, you are good to go with the economics questions in your SSC exams. इस वीडियो के बाद विल कम अप विद द एमसीक्यूज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.